हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है हमारी ऑल न्यू पैशन एक्सटेक। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, एक जो प्रॉब्लम हमें बाइक में आ रहा था वो था फ्रेंड्स कि बाइक जो है वो पिकअप नहीं बना पा रहा था अच्छे से। मतलब जब भी स्पीड ब्रेकर वगैरह आता था ना, उसके बाद फिर जो है वो बाइक का पूरा गियर डाउन करना पड़ता था, तभी जो है वो बाइक पिकअप लेती थी। और यहाँ पे ब्रेकिंग को लेकर भी फ्रेंड्स थोड़ा इशू आ रहा था कि ब्रेक से जो है वो साउंड वगैरह आ रहा है और ब्रेक्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ड्रम ब्रेक का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि फ्रेंड्स जो है वो डिस्क ब्रेक में मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स मतलब जब भी एट ए टाइम ब्रेक मारने की ज़रूरत आती है, उस टाइम पे फ्रेंड्स जो ब्रेक से ड्रम वाला वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, भले ही इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। तो अभी हम आए हुए हैं फ्रेंड्स सर्विस सेंटर पे, भैया जो है वो बाइक को पूरा टेस्ट कर रहे हैं कि ब्रेक वगैरह जो है वो अच्छे से क्यों नहीं लग रहा है। तो अभी भैया यहाँ पे पूरा जो है काम इसका कर चुके हैं कंप्लीट, अब ये जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स ये टेस्ट राइड लेके आएंगे या फिर हो सकता है यहीं पे टेस्ट राइड हो जाए, जो भी रहेगा आपको हम वीडियो में बता देंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सही है, हाँ। अच्छा, पिकअप का है नहीं बना रहा था, मतलब अच्छा से पिकअप ले इतना जब तक लेते थे तब तक इतना आपको लेने था, हाँ। और ये टाइट हो गया जैसे हल्का सा भी लेने थे, मतलब भी सेटिंग में, मतलब लूज क्या था, एक्सीलेटर लूज था, हाँ, थ्रोटल लूज था, तो थ्रोट मतलब था। अच्छा, तो थ्रोटल हमारा जो है वो लूज था, मतलब पीडीआई के टाइम पे, मतलब क्या पीडीआई में ही सब चेक करता है ना, तो उस टाइम पे अच्छा से नहीं हुआ होगा इसलिए क्या। तो जब से फ्रेंड्स मैंने परचेस किया था तब से ही ये दिक्कत जो है वो आ रहा था। तो अभी फ्रेंड्स आने से क्या हुआ कि दो काम हो गया, एक बजर इंस्टॉल हो गया, दूसरा जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व यहाँ पे हो गया है। बाकी गियर को भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे गियर को लेकर कि गियर जो है वो अटक रहा है या नहीं अटक रहा है। तो फ्रेंड्स गियर जो है उसमें अभी तक हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है, गियर जो है वो काफ़ी मतलब स्मूथ है, इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है। बस ये जो मतलब प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेलरेशन का है कि थोड़ा सा पिकअप कम बना रहा था, और बाकी यहाँ पे ब्रेकिंग को लेकर के ब्रेक्स जो है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। बाकी ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो 90,000 रुपये के अप्रॉक्स में अगर आपका बजट है तो आप इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। आप टेस्ट राइड जरूर से एक बार ले लें बाइक खरीदने से पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सीट हाइट वगैरह जो है वो कैसा है और कम्फर्टेबल है या नहीं। ऐसे तो बाइक काफ़ी कम्फर्टेबल है, सीट का जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो फैमिली पर्पज से भी अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आपके फादर वगैरह राइड करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रेंड्स फैमिली पर्पज से एक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल में बिल्कुल ही न्यू कलर कॉम्बिनेशन में बाइक आई हुई है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये जो फ्रेंड्स एक दो प्रॉब्लम था वो अभी हमारा दूर हो गया है। अब जो भी फ्रेंड्स इसका रिव्यू रहेगा वो आपको हम दे देंगे बाइक राइड करने के बाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।